सरायपाली थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी और उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ा कार्रवाई करते हुए बैरियर तोड़कर भाग रहे दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को लाखों रुपए के गांजा के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल सरायपाली थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा तरफ से एक स्विफ्ट कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ है जो छत्तीसगढ़ होते हुए राजस्थान की तरफ जाएगा। मुखबिर की सूचना पर सरायपाली पुलिस टीम के द्वारा नाकाबंदी किया गया जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया और कार की तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से 120 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमती 24 लाख रुपए और कार कीमती 3,20,000 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध थाना सरायपाली में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरायपाली से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट। दिनांक 28/2/24 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सिंघोड़ा के पास रेटी खोलना का जो है वहां से एक कार है RJ06CF0188 राजस्थान पासिंग है। ये गाड़ी जो है वहां से टोल प्लाजा तोड़ करके भागी है। तो उसके बाद अपन पूरे सरायपाल पुलिस द्वारा घंटेश्वरी मंदिर चौक के पास में घेराबंदी किया गया और उक्त जो गाड़ी है पुलिस को देख करके घंटेश्वरी मंदिर के रोड की तरफ गाड़ी को घुसा दिया जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। घेराबंदी कर चेकिंग करने पर गाड़ी में 1 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी जो है राम स्वरूप जाट और विनोद जाट ये मूलतः राजस्थान के मांडला खेड़ा के गांव के रहने वाले हैं और ये गांजा तस्करी का ही काम करते हैं और इनके विरुद्ध धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।